दिल्ली में संपादकों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचे। मुंबई में सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अस्पताल के नवीनीकरण पर का काम रिलायंस फाउंडेशन ने किया है। मोदी ने कहा कि इलाज से ज्यादा रोगों से बचाव पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि अस्पताल की तरह ही भारत का कायाकल्प भी संभव है। पीले रंग का कुर्ता पैजामा पहने प्रधानमंत्री जैसे ही सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल पहुंचे, माहौल में गर्माहट आ गई। परिवार समेत मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मुकेश अंबानी की अगुवाई में प्रधानमंत्री मंच की ओर बढ़े। मंच पर आसीन होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी, आज भाई बीज के दिन आप इस हॉस्पिटल में पधारे हैं। अगर बोरवेल में गिर जाए। प्रधानमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद देश में खस्ताहाल मेडिकल हालात पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में बच्चे के जन्म के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के डरावने वाले आंकड़ों का जिक्र किया और सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अस्पतालों के हर जरूरत को पूरा करने का इरादा जताया। और इक्विपमेंट के क्षेत्र में इतनी कठिनाई है कि इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं कि सामान्य अस्पतालों में इसको बसाना बड़ा मुश्किल है। और हमने एक इनिशिएटिव लिया है मेक इन इंडिया, क्यों न हमारे देश में मेडिकल के लिए आवश्यक जो इक्विपमेंट है उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने बीमारी से पहले ही उसके रोकथाम पर जोर दिया, लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने की बात कही। टेलीमेडिसिन के माध्यम से गरीब से गरीब पेशेंट को अच्छी सुविधा कैसे मिले, और दूसरा गरीब से गरीब बालक को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, और आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हुआ है। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों की तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव भी मौजूद थे। खास बात यह है कि इस समारोह में शामिल होने के लिए शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन वो इस समारोह में शरीक नहीं हुए। वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई आज तक।